हेलो गाइस, दिस इज सुनील श्रीवास्तव, यू आर वाचिंग साहिल सैफी एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट डॉग्स ट्रेनिंग। तो चलिए, आज की वीडियो में क्या है कि लास्ट वीडियो आपने देखी होगी हमारी, बैटल देखा होगा जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर में। बट आज की वीडियो, अगर आप एक पपी लेने का प्लान कर रहे हैं तो कैसे उसकी प्योरिटी की पहचान करें, पहली वीडियो थी तो जो कम लोगों तक पहुंच पाई है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है उसमें, बट इसको अपग्रेड करके बताया गया है इस वीडियो में, तो कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं, तो पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप पपी लेने का प्लान कर रहे हैं जर्मन शेफर्ड का, तो आपको बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पूरा अच्छे से डिटेल में इस वीडियो को आपको दिखाते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, लेने के बाद ट्रेनिंग चाहिए तो हाँ, ट्रेनिंग चाहिए तो हम लोग हैं, आप नीचे नंबर दे रखे हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और जो टाइमिंग्स हैं उस टाइम पे मैं कॉल भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसा कि ये फार्म हाउस आपने पहले भी देख चुके हो, जैसे जैक एंड जिल उनके ही पपीज़ हुए हैं, जो कि एक प्योर ब्रीड है, आप भी वो देख रहे हो। प्योर से मतलब ये नहीं कि उसमें भी कई क्वालिटीज़ होती हैं, बट प्योर होना बेसिक नीड क्या होती है वो इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस है ये, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे में ग्रीनरी अच्छे से बना हुआ, और भी एक्सप्लोर करेंगे अभी इसको। चलिए मिलते हैं डायरेक्ट पपीज से। ओह साहिल, ये देखो जिल अंदर ही है। जिल है, पपीज भी अंदर ही है। जिल पपीज भी अंदर ही है, देखो ये भौंकने लगी मेरी दोस्त। और जैक से ही मिलने, इनकी फादर से भी तो मिलने, क्या कर रहे हो? Hey boy, Jack. Good boy, Jack. Sit. Hello. Sit here. थोड़ा गुस्से वाला हो गया है, पहचानता भी, इसे खोल देंगे तो अच्छे से कोऑपरेट करेगा और हमारे साथ घूमेगा भी। तो पहले पपीज़ की प्योरिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कुछ शॉट्स दिखाएंगे आपको। जर्मन शेफर्ड की प्योरिटी के बारे में आप कैसे पता कर सकते हो कि अगर आप कोई जर्मन शेफर्ड लेने का प्लान कर रहे हो कि वो ब्रीड प्योर है या नहीं है? इसमें हमारा बताने का यही मोटिव है, आप तो वैसे कोई भी ब्रीड पाल सकते हो, बट अगर आप पैसे से खरीद रहे हो तो आपके पैसे वेस्ट ना जाएं और आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर पाए, जिससे आप पहचान सको और हमसे जुड़े हो तो आपको फ़ायदा मिले। आप मेनली जर्मन शेफर्ड का सबसे पहला जो पॉइंट आपको चेक करना है, कलर कॉम्बिनेशन। जर्मन शेफर्ड का ब्लैक और टैन बोलते हैं, बट कहीं कहीं पे हल्का सा ऑफ वाइट की टचिंग आ जाती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो ये बालों का, तो ये गलत नहीं माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे पैच है, बट पैच एक डिज़ाइन में नहीं होना चाहिए, बाल होने चाहिए जगह जगह अगर वाइट के तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के इसमें जो शेड होगा इसका, ये टैन कलर यहाँ तक भी बढ़ जाएगा और वाइट टचिंग आ जाएगी, पूरी बढ़ जाएगी। अभी ये छोटे पप्स हैं, 45 डेज़ के हैं, तो इस वजह से इसमें पूरा टेक्सचर नहीं आ पाया है। तो जर्मन शेफर्ड का कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से होगा, जैसे आपने देखा था कि छोटे पप में अभी साइड पूरा ब्लैक था, बट इस तरीके से ये लाइन एक आ जाती है बड़ा होने के बाद, इस तरीके से पैचिंग आती है, हल्का वाइट वाइट ऑफ वाइट दिखेगा और थोड़ा टैन कलर में होता है, इस तरीके की पहचान होती है। तो ये प्योर ब्रीड है, तो ऐसे ही ये वाले डॉग होंगे, जो कि बेसिक कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जर्मन शेफर्ड में। ट्राई कलर में होगा और स्टार्टिंग में अगर यहाँ तक भी इसके पैर टैन है और ये पूरा ऊपर से ब्लैक है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, जर्मन शेफर्ड का जो भी एक पैचिंग होती है ना, तो ये बराबर होगी, जैसे आँखों पर यहाँ जा रहा है उतना ही यहाँ पे जाएगा। प्योर ब्रीड की ये पहचान होती है कि सेम टेक्सचर अगर उस ब्रीड में आ रहा है तो दोनों तरफ एक सा होगा, जैसा कि आँखों का दोनों तरफ अगर यहाँ पे एक पैच है छोटा सा देखिएगा यहाँ पे, तो दूसरी तरफ भी उतना ही होगा। कानों के यहाँ आ रहा है तो दूसरे कान पे भी यहाँ होगा, सेम पैटर्न में होगा। एक ऐसा नहीं है कि एक पे है तो एक पे नहीं है, अगर ऐसा होता है इधर उधर है तो वो अपनी ब्रीड अपनी फॉर्म से हट रही है, यानी कि वो प्योर ब्रीड नहीं है। और इससे अलग एक और चीज़ होती है, जर्मन शेफर्ड की टेल, वैसे तो कहते हैं कि नीचे झुकी होनी चाहिए, इसमें गिरी हुई है, जब ये एक्साइटेड होगा तो ऊपर करके रिंग जैसा बना लेती है। बट एक मिनट रुकिए, अभी जैसे कि पॉइंट्स बता रहे हैं तो मैं थोड़ी बहुत बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप अभी इस तरीके के पपीज़ घर पे लेके आए हैं छोटे छोटे, तो इनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पर, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स चलता है, तो आप घर पे ही अपने डॉग को आराम से सिखा सकते हो। नंबर नीचे दे रखे हैं, इन पर आप बात कर सकते हैं, आपको कहीं पर ही अपने डॉग को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप ऑनलाइन ही अपने डॉग को अच्छे से सिखा पाएंगे और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ तक टच हो सकती है, बट गोल रिंग ना बनाए, एक राउंड ना ले, वो गलत माना जाता है, वो प्योर डॉग में नहीं होता है। बट एक बार ऐसे टच हो रही है अगर बैक पे, तो
प्योर होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपने मदर फादर दोनों स्टार्टिंग से देख रखे हैं। जैक एंड जिल जो कि एक प्योर ब्रीड है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ, उसमें ग्रेड वाइज क्वालिटी और अच्छी हो सकती है, इम्पोर्ट लाइन में जाएंगे तो और बेहतर क्वालिटी मिल सकती है, बट ये भी एक पेट क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का डॉग है। इससे अलग आप देखेंगे इसमें इनकी टेल की लेंथ जो होती है, नॉर्मल डॉग्स होती है मोस्टली आपकी यहीं तक होगी, बट इनकी जो टेल लेंथ होती है इसके पीछे वाली नहीं होती है, इससे लंबी, ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है। अगर आप लेंथ नापोगे उसकी पैर तक खींच के, तो ये जो इस तरीके से तो पैर से काफ़ी नीचे तक जाती है, और डॉग अगर खड़ी हुई पोजीशन में होता है तो हल्का सा स्लोप रहता है स्टार्टिंग से ही पप में। नॉर्मल डॉग फ्लैट होते हैं, बट इसमें क्या होगा, हल्का सा यहाँ पे देखेंगे आप स्लोप रहता है। जब इसको ऐसे खड़ा करते हैं डॉग को, तो इस तरीके से पोस्चर आता है डॉग का, ठीक है। और ये टेल होती है मोस्टली टच कर जाती है ज़मीन को, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हो। इससे अलग मोस्टली चीज़ें तो हो ही गई हैं इसमें, बट आप एक चीज़ और चेक कर सकते हो, जब जर्मन शेफर्ड लेंगे तो उसके पॉज नॉर्मल, अगर मान लीजिए कहीं आपको इस ट्राई कलर में दूसरे ब्रीड का मिक्स ब्रीड भी निकल आते हैं बट स्टार्टिंग में आइडिया नहीं लगता है, तो उनके पॉज हैं थोड़े हैवी होते हैं, स्मूथ ना होके आगे का जो पंजा होता है थोड़ा बड़ा होगा, चौड़ा होता है जर्मन शेफर्ड का, और ये थोड़ा हैवी बोन में भी होते हैं जर्मन शेफर्ड, नॉर्मल ब्रीड से मिक्स ब्रीड से हैवी बोन में होते हैं, तो वो आपको वहाँ एक अच्छा आइडिया लग जाता है। इससे अलग आप अगर खरीद रहे हो अगर पप को, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी कि वो हेल्दी है या नहीं, तो इसके कुछ साइंस होते हैं, चार पांच चीज़ें आप ऐसी ध्यान में रखो। सबसे पहले डॉग के साथ खेलो, अच्छे से खेलना चाहिए। दूसरी चीज़, जब उसकी आँखों में देख रहे हो तो आपने देखा होगा जैसे चमक होनी चाहिए आँखों में, एकदम ब्राइटनेस चमक होनी चाहिए, जैसे कोई भी डल आँखें नहीं लगनी चाहिए। अगर डल होंगी आँखें डॉग की तो क्या होता है, वो डलनेस किसी बीमारी के कारण होती है, तो उसका ट्रीटमेंट कराने को बोलिएगा आप। तो दो चीज़ें ये हो गई, एक एक्टिवनेस और उसकी आंखों की चमक देखेंगे। तीसरी चीज़, जब आप कुछ खिला के देखते हैं तो बहुत तेज़ी से खाना चाहिए, एपेटाइट लॉस हो रही है, तो यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ या कुछ इस तरीके की चीज़ है जो आगे चल के दो चार छः दिन में बाहर आएगी, वो आपको समय पता नहीं है, कहीं आपको ब्रीडर बीमार डॉग ना दे दे, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। एक चीज़ और, जब आप पप ले रहे हैं तो इस तरीके से चेक कर लीजिएगा पूरी बॉडी अच्छी तरीके से, कि अगर उसके पैच है कहीं पर, अगर वाइट पैच कहीं पर आया है तो किसी ने डाई तो नहीं किया हुआ है, डाई किया हुआ होता है तो उसकी ऊपर से ब्लैक और जड़े जो होंगी वाइट दिखेंगी आपको, या तो बाल पूरा वाइट होगा नीचे तक तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उसकी जड़े वाइट है ऊपर से ब्लैक कर रखा है तो यानी उस पर डाई लगाई हुई है। तो इन चीज़ों का कुछ फ्रॉड से बचाने के लिए तीन चार चीज़ें आप उसको ध्यान रख सकते हो। और कानों का एक टेक्सचर होता है जर्मन शेफर्ड का, एक इस तरीके से जो कान की जो एक यहाँ पॉय क्विक पॉय, तो यहाँ से नीचे से थोड़े हार्ड होते हैं और ऊपर की तरफ को एक ऐसे छू के देखेंगे तो एक हल्की सी हार्डनेस ही महसूस होती है, जो कि कान को बाद में खड़े होने में मदद करती हो। कभी कभी आपने देखा होगा जर्मन शेफर्ड के कान खड़े नहीं हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पे, कान जितने हल्के होते हैं जर्मन शेफर्ड के उतनी जल्दी खड़े होते हैं, मोस्टली 45 डेज तक या 60 डेज तक खड़े हो जाते हैं एक बहुत अच्छी ब्रीड में, बट किसी किसी में 6 महीने तक का टाइम लग जाता है, वो किसी रीज़न से रहा होता है, कभी चोट लग जाती है या फिर कान खींच जाता है, तो वो भी एक रीज़न रहता है, बट नॉर्मल केस में 2-2.5 महीने में, दो मैक्सिमम 2.5 महीने तक खड़े हो जाते हैं अच्छी ब्रीड के कान। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो आपको खरीदने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है लोग देखते हैं कि KCI रजिस्टर्ड डॉग हो, तो वो तो एक ऐसी चीज़ है, KCI रजिस्टर्ड का मतलब कैनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होगा डॉग, तो अगर आप किसी डॉग शो में लेके जाओगे तो वहाँ उसके माइक्रोचिप वगैरह लगती है, तो वो उसकी एक पहचान होती है, बस वहीं पे वो पेपर डॉक्यूमेंट काम में आते हैं। अदरवाइज़ पेट आप किसी भी अच्छे डॉग को बना सकते हो, पेट क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड रख सकते हो, पेट क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड होगा तो वो बीमार भी कम पड़ेगा जितना इम्पोर्ट लाइन का होगा। डायरेक्ट अगर इम्पोर्ट कराएंगे या फिर उसमें हाइब्रिड में जाते हैं प्योरली में, तो वहाँ पर क्या रहता है कि वो बीमार ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आप एक पेट क्वालिटी रखिएगा, और आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है उस समय, क्योंकि स्टार्टिंग में रखना होगा, बट उसके बाद उसके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बताएं ऐसी और वीडियो चाहिए आपको और कौन सी ब्रीड पर चाहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।